मैंने देखा है जहाँ इतनी सारी महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम हैं, इसलिए भी बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। साथियों बहुत दिन से आप लोग सीएनआरसी एनपीआर के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं और शायद हर किसी ने अपने अपने हिसाब से आपको आकर के उसके बारे में बताया भी होगा। कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि जरूरी है और बार बार बात करनी चाहिए उनके ऊपर, मैं बस उन्हीं पॉइंट्स पर अपनी बात रखना चाहूंगी। अमित शाह नाम का एक भगवा निक्कर पहनने वाला गुंडा आज हमारा होम मिनिस्टर है। वो गुंडा आकर के टीवी पर बार बार कुछ बातें बोलता है और कहता है कि ऐसा है कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगर एनआरसी में जिन हिंदुओं का नाम नहीं होगा, एनपीआर में जिन हिंदुओं का नाम नहीं होगा, उनको सीए के थ्रू उनको नागरिकता कानून के तहत फिर से वापस ले लेंगे। ये टकला पहली बार झूठ नहीं बोल रहा, तो इसलिए किसी को बहुत ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टकले की बहुत पुरानी आदत है, वो सिर्फ झूठ ही बोलता है, इसलिए ये बात भी वो झूठ बोलता है, क्योंकि नागरिकता कानून में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपका नाम एनआरसी एनपीआर की लिस्ट में नहीं हुआ तो आपको फिर से ये देश में नागरिकता मिलेगा। उस कानून में सिर्फ एक स्थिति में आपको नागरिकता मिल सकता है, आप कोई भी रहे, किसी भी जगह से रहे, लेकिन सिर्फ एक स्थिति में आपको नागरिकता मिलेगा। वो स्थिति ये है कि अगर आप ये साबित कर पाए कि आप किसी बाहर के देश से, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वहां से अल्पसंख्यक हैं और आपके ऊपर वहां पर अत्याचार होता है, तो आप सिर्फ एक सूरत में नागरिकता कानून के तहत नागरिक रह सकते हैं, अगर आप अपने आप को शरणार्थी साबित कर दें। आप एक बात सोचिए कि जो व्यक्ति अपने ही देश में अपने को नागरिक नहीं साबित कर पाया, वो व्यक्ति कैसे खुद को पाकिस्तान का या बांग्लादेश का नागरिक साबित कर पाएगा। ये एकदम फालतू और ढकोसले वाली बात है जो वो बोल रहे हैं कि जी हिंदुओं को डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है ये जो 6 साल में बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है उसने इस देश में जो किया है, उसके बाद सबसे ज्यादा हिंदुओं को डरना चाहिए इस सरकार से, क्योंकि कम से कम मुसलमानों को तो वो अपना दुश्मन सामने बताती है, हिंदुओं को ये तो ही अपनी बनकर पीछे से छुरे से वार करती है। आप सोचिए, दूसरी चीज जो नागरिकता कानून में मुझे लगता है सबको ध्यान देनी चाहिए, जिससे सरकार की नीयत साफ होती है। सरकार कहती है कि हम सबको जो दूसरे देश में सताए हुए नागरिक हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको कानूनी रूप से अपने यहाँ नागरिकता देंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने कभी इस बात से मना नहीं किया। यहाँ पे तिब्बत से आए हुए लोग पहले से रहते हैं, यहाँ इस सरकार से पहले जो भी म्यांमार से सताए हुए अल्पसंख्यक आए, रोहिंग्या मुसलमानों को भी इस देश ने जगह दी, श्रीलंका से सताए हुए तमिलों को भी इस देश ने जगह दिया, लेकिन ये मोदी और अमित शाह की सरकार कहती है कि सिर्फ दो देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सताए हुए अल्पसंख्यक आएंगे, सिर्फ उन्हीं को हम नागरिकता देंगे। इससे इनकी नीयत साफ होती है कि क्यों सिर्फ दो देश, क्यों श्रीलंका में जो तमिल है उनको ये नागरिकता का अधिकार क्यों नहीं, उनको भी सदियों से सताया जा रहा है। भूटान के जो अल्पसंख्यक है उनको इस नागरिकता का अधिकार क्यों नहीं है, नेपाल में जो अल्पसंख्यक है उनको इस नागरिकता का अधिकार क्यों नहीं है। इससे सरकार की नीयत साफ होती है कि ये सिर्फ एक तबके को अपना दुश्मन बताना चाहती है, वो बताना चाह रही है कि जी पाकिस्तान जो है वो मुसलमान देश है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो मुसलमान देश है और वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अगर वो आपको ये बताएगी कि श्रीलंका में तमिलों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, तो आप ये बोलने लगेंगे कि उनको भी नागरिकता दो, लेकिन उनसे इनकी राजनीतिक नौकरियाँ टिकेंगी नहीं। इसलिए सिर्फ दो देशों को ये बोलती है कि हम इनके यहाँ के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे।
इससे मेरा ये मानना है कि यहाँ पर तो हटाइए देगा 1947 में जब ये देश आजाद हो रहा था तब कुछ लोगों ने अपना अपना देश चुना था, कुछ लोगों ने पाकिस्तान को अपना देश चुना, कुछ लोगों ने बांग्लादेश को अपना देश चुना जिसमें हिंदू भी शामिल थे। अगर मोदी जी के सीने में अगर तड़ी पार के सीने में उन हिंदुओं के लिए इतना दर्द है तो उन मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है जिन्होंने 47 में इस देश को अपना मुल्क चुना। बहुत अच्छा, थोड़ा सा हम नहीं हटाएंगे। इधर घूमना भगवान निकर पहनने वाला गुंडा मुझे नहीं बताएगा कि मेरे देश कैसे तय होगी। कोई बाहर से आकर मुझे नहीं बताएगा कि मेरा पड़ोसी मुसलमान है कि हिंदू है और मैं ये देखूं कि वो क्या खाता है और क्या पहनता है। कोई गुंडा मुझे आकर ये नहीं बताएगा। ये देश भगत सिंह और अम्बेडकर के सिद्धांतों का देश है और वैसा ही रहेगा। एक और चीज मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जिन लोगों को शायद ये अभी भी लगता है कि वो इस कानून से किसी भी तरीके से नहीं अफेक्ट होंगे, ये कानून किसी भी तरीके का असर उनके ऊपर नहीं करेगा। अब सारे लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको सरकारी ऑफिसों में कुछ ना कुछ काम से जाना पड़ा होगा, नहीं तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम से जाना पड़ा होगा। आप सब मुझे बताइए किसी सरकारी ऑफिस में आप लोग गए हो और पहली बार में बिना घूस दिए, बिना पैसा दिए, बिना सिफारिश लगाए आपका कभी कोई काम हुआ है? नहीं। तो आप ये सोचिए कि अगर ये नागरिकता कानून लागू हुआ देश में अगर लिस्ट बनने लग गई तो बनाने कौन आएगा? वही सरकारी ऑफिसर आपकी लिस्ट बनाने आएगा और वो सरकारी ऑफिसर आपका शक्ल पसंद नहीं आया, आपके घर में बैठ के आपकी चाय पसंद नहीं आई, आपसे उसने 1 लाख रुपए घूस मांगी कि तेरा नाम तभी लिखूंगा जब तू घूस देगा, आपने नहीं दे पाया तो आपका नाम उस लिस्ट में नहीं। ये सारे लोग, और वो तब ये नहीं होगा कि आप मुसलमान है कि नहीं, आप हिंदू भी हो सकते हैं जिसके पास पैसे नहीं है, आप दलित हो सकते हैं, हमारे नामों से कोई जमीन नहीं होती, हम महिलाएं हो सकते हैं जिन्हें शायद आज तक हमें पता ही नहीं होता कि हमारी पहचान कैसे हो। हम 21 साल तक के होते हैं तो हमारे बाप के नाम से जाना जाता है, उसके बाद पति के नाम से जाना जाता है। आप उनसे कौन से कागजात मांग रहे हैं? हमारे नाम पर कब किसी ने घर किए हैं, कब किसी ने जमीनें की? सबसे ज्यादा तो हमारे ऊपर असर होगा। असम में 19 लाख लोग डिटेंशन कैंप में है, 10 साल बाद एक एनआरसी की लिस्ट बनी थी वहां। 19 लाख लोगों में 14 लाख लोग हिंदू हैं और 14 लाख से 19 लाख सारे लोगों में अगर आप महिलाएं देखेंगे तो 60-70% महिलाएं हैं, जिन महिलाओं की वजह से इस देश की हर नस्ल आगे बढ़ती है, जिन महिलाओं की वजह से इस देश की नस्लों की शिनाख्त होती है। आज तो गुंडे उन महिलाओं से उनकी शिनाख्त के कागजात मांग रहे हैं और सिर्फ ये नहीं, ये सोचिए कि ये कागजात मांग कौन रहा है? आज तक मोदी जो है वो खुद ये नहीं साबित कर पाए हैं वो कब पैदा हुए थे। उन्होंने जो चुनाव लड़ने के समय प्रमाण पत्र दिया है उसमें उनका जन्म अलग तारीख पे लिखा हुआ है और जो उनकी 12वीं की मार्कशीट उन्होंने दी है उसमें उनका जन्म का जो तिथि है वो अलग तारीख पे लिखा हुआ है। ये आदमी हमसे मांग रहा है जिसको आज तक ये नहीं पता है कि इसकी डिग्री पॉलिटिकल साइंस की है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है, वो हमसे कागजात मांग रहा है। ऐसे लोगों को पहचानना, उनकी राजनीति को पहचानना सिर्फ आज के लिए जरूरी नहीं है, ये आने वाले दिनों के लिए भी जरूरी है। आज अगर हम लोग ये बोलते हैं कि ये दूसरा आजादी का आंदोलन है जिसको हम लड़ रहे हैं, एक दूसरे समय में हम अपने देश को फिर से एक नई पहचान के साथ आने वाली नस्लें जिन सिद्धांतों पे चलेंगी उन सिद्धांतों को ये आंदोलन गढ़ रहा है, तब हमें ये तय करना होगा कि ये आंदोलन और ये देश किसके सिद्धांतों पे चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलेगा जिन्होंने एक संविधान लिखा और उस संविधान में उन्होंने लिखा और कहा कि चाहे किसी धर्म के हो,
चाहे किसी जात से हो, चाहे किसी लिंग के हो, तुम्हें सिर्फ एक अधिकार है, एक वोट का, और वही अंबानी को है, वही चपरासी को। उस बाबा साहेब के सपनों का देश है ये, किसी भगवा झंडा उठाने वाले गुंडे का नहीं है जो हमसे कागजात मांगने की हिम्मत कर रहा है। हम हमारी पीढ़ी के लोग, एक और चीज ये लोग बोलता है ना कि जिस वोटर आईडी को दिखा करके हमारा वोट मांगा, तड़ी पार बोल रहा है कि वो नहीं आपका पहचान पत्र है, वोट ले लिया, अब बोल रहा है कि पहचान पत्र नहीं है। कुछ दिन पहले तक ये लोग बोल रहा था कि आधार कार्ड बनाइए, आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक होगा, आपको राशन उसी से मिलेगा, आपको एडमिशन लेना है, कहीं नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए, और आज ये बोल रहा है कि वो आधार कार्ड भी नहीं चलेगा। दूसरा, पासपोर्ट, दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति अगर आप उसको अपना पासपोर्ट दिखाइएगा तो वो मानेगा कि आप हिंदुस्तानी हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको हमने चुना है वो गुंडा नहीं मान रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं। और जन्म प्रमाण पत्र जो ये लोग बोल रहा है कि अपने दादा का, अपने माँ बाप का, अपने पुश्तों का आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर आइए तब हम मानेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। मैं अपनी नस्ल की बात करती हूँ, मैं अपनी पीढ़ी की बात करती हूँ। हम वो लोग हैं जो 95 से पहले पैदा हुए हैं, और 95 से पहले मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 95 के बाद फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटलों में पैदा हुए होंगे, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, जो आज इस देश की युवा पीढ़ी है, जो पढ़ाई लिखाई कर रही है या नौकरी कर रही है, वो पीढ़ी जब पैदा हुई थी तो हम एक भूसे वाले घर में पैदा हुए थे, क्योंकि बहुत ठंड थी, फरवरी में पैदा हुए थे तो दादी को लगा कि भूसे वाले में रखते हैं बहू को, थोड़ी गर्मी मिलेगी। कोई हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए थे, कोई डॉक्टर नहीं आया था मुझे पैदा करने के लिए, तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, दरभंगा में आप मुझे बताइए कि एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल जहाँ सब तरीके का इलाज होता हो, कोई एक हॉस्पिटल है यहाँ पे जहाँ कोई जाकर के कोई भी दिक्कत हो अगर उसको उसका इलाज हो जाए। 2020 में अगर ये स्थिति है इस देश की कि यहाँ की सरकार वो हॉस्पिटल बनवाने में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, वो बोल रही है कि हमारे दादा जब पैदा हुए होंगे उनका जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ, कौन सा हॉस्पिटल था रे उस समय? आज जब 2020 में नहीं है तो बोल रहे हो कि 51 में एक हॉस्पिटल हुआ होगा दरभंगा के किसी कोने में जहां हमारे दादाजी पैदा हो गए होंगे अचानक से। ये मोदी सरकार असल मुद्दों से भटकाने के लिए आपको बोल रही है कि देखो हिंदू मुसलमान करो, अगर नहीं करोगे तो मुझसे पूछने लगोगे ना कि शिक्षा कहाँ है, नहीं करोगे तो मुझसे पूछने लगोगे क्या कि जहां से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बोल रहे हो पहले हॉस्पिटल तो बना, तभी तो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। हमारे दादा, हमारे माँ बाप जो है वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो बहुत ठंड थी, जब हम पैदा हुए थे तो बारिश का मौसम था, जब पैदा हुए थे तो ढेर गर्मी में पैदा हुए थे, किसी को तारीख नहीं मालूम है। तो हमारी तो पूरी की पूरी पीढ़ी चली जाएगी जो इस देश का नागरिक नहीं होगी। ये सारे ढकोसले इस सरकार की तरफ से आते हैं, सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा प्रमाण पत्र मांगे। एक जगह दिल्ली का जब चुनाव हो रहा था तो अमित शाह बार बार भाषणों में बोल रहे हैं कि जी आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एनसीआर, पहले एनआरसी आएगा, एनपीआर आएगा और फिर नागरिकता कानून आएगा, उसके बाद मोदी जी एक सभा में भाषण दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जी हम तो एनआरसी लागू ही नहीं कर रहे हैं। सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि वो करना क्या चाहती है, और वो जनता को बोल रही है कि वो तय करे कि वो इस देश का नागरिक रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती। आज पहली बार शायद 70 सालों में ये देश एक ऐसे दौर में है जिस दौर में सरकार जिसको जनता चुनती थी, भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, एक ऐसे लोकतंत्र में जहाँ पहले कभी सरकार को जनता चुनती थी, आज सरकार बोल रही है कि हम चुनेंगे कि कौन जनता इस देश में होगी और कौन नहीं होगी। और यही नहीं, इस सरकार की सारी मंशा
चुनना चाहती है कि आप उसको वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, वो चुनना चाहती है। वो उन लोगों को नहीं उस लिस्ट में रखेगी जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। आप सोच लीजिए, इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके ऊपर ये देशद्रोह का कानून थोप कर उन्हें जेल में डाली हुई है। जो भी इस सरकार के खिलाफ आज के वक्त में बोल रहा है, उन सबको, डॉक्टर कपिल अहमद से लेकर के हर किसी को ये सरकार जेल में डालती है। इससे इस सरकार की मंशा साफ होती है कि सरकार अब जनता चुनने लगी है, और ये खतरे का सिग्नल है। इसलिए जिन लोगों को ये मुकालता है कि वो हिंदू है और बच जाएंगे, वो याद रखें, वो दलित, वो बहुजन, वो महिलाएं याद रखें कि आप ही वो तबका है जिसके पास कोई कागजात नहीं होता है।